वहीं राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े कार सवार तीन बदमाशों ने एक युवक का किडनैप कर लिया। ये घटना खो नागोरियन थाना इलाके की पालड़ी मीणा की है। सूचना मिलने पर एडीसीपी वेस्ट ललित शर्मा के नेतृत्व में तुरंत पहले तो नाकाबंदी करवाई गई और वहीं सूचना के बाद बदमाशों की लोकेशन आगरा रोड महुआ पर पाई गई। इस पर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए तीनों बदमाशों का पीछा किया और कार समेत उन्हें महुआ गाजीपुर टोल पर दबोच लिया। हालांकि तीनों बदमाशों में एक बदमाश मौका पार कर कार से उतरकर फरार हो निकला। गिरफ्तार आरोपियों में गुमान सिंह और रेव सिंह जबकि उदय सिंह मौके से फरार हो निकला। आपको बता दें कि पीड़ित दिनेश शर्मा का तीनों आरोपियों के साथ रुपयों का लेन देन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। वहीं पुलिस दोनों आरोपियों से अब पूछताछ कर रही है और साथ ही पुलिस को आरोपियों से अन्य वारदातों के खुलासा होने की भी उम्मीद इस मामले में है। कल एक दो बजे बाद में चलाई थी, दो ढाई बजे, कि पालड़ी मीणा से एक आदमी का अपहरण करके गाड़ी में लेके गए हैं। जो सूचना करता था उसने टेलीफोन पर बताया था कि मेरे भाई के ये नंबर है, इसको दोस्ता की तरफ ले गए। लोगों को कंट्रोल में पूरे जयपुर में या राजस्थान में नाकाबंदी कराई, जिसको महुआ में टोल पे पकड़ लिया और फिर हम जाकर ले आए। फिर मुकदमा दर्ज हुआ इसके खिलाफ और अब इसको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया। आरोपी है एक तो गुमान सिंह, एक रेडमल और एक उदय सिंह, तीन आरोपी हैं इसमें। आरोपी दो पकड़े गए हैं, एक मौके से जो पकड़े थे उस टाइम ही, पहले पकड़ने से पहले भाग गया।